अभी हाल ही में बिलासपुर में कन्हैया कुमार जब बाइट दे रहे थे, तब एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माँ बहन की गाली दी, जो किसी भी समाज के लिए, चाहे साहू समाज हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लिए हो, इस तरह माँ बहन की गाली देना, वो भी एक प्रधानमंत्री इतने उच्च पद में जो बैठे हैं, आसीन हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए, सम्माननीय व्यक्ति के लिए गाली गलौज करना, ये छत्तीसगढ़ के लिए ही शोभा नहीं देता, पूरे देश में शर्मनाक घटना हुई है। और मैं डॉक्टर ममता साहू, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा, इस घटना की निंदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिसने ये गाली दी है उसके खिलाफ़ FIR हो, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और तुरंत उसे अरेस्ट करके गिरफ्तार किया जाए उसे। और यही नहीं, कांग्रेस की ऐसी रीति और नीति और ऐसे संस्कार ही हैं, आप देखेंगे तो गुजरात में जब CM थे माननीय मोदी जी, तब सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, राहुल गांधी उनको चोर कहा, राहुल गांधी ने तो कई सभाओं में यहाँ तक कहा कि मोदी जो है चोर, मोदी जाति के लोग क्या चोर होते हैं। तो इस तरह जाति को, धर्म विशेष को, समाज को अपमान करना, ये कांग्रेस की रीति और नीति रही है, जिसकी मैं बहुत ही निंदा करती हूँ, भत्सरना करती हूँ, कड़े शब्दों में इसकी मैं निंदा करती हूँ। और तुरंत कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे।